गुलाब कुंजे दियो वास नयने हेरी वो सदा युगल रूप राशि नामो नमा। ए निवेदन धरो सकिर अनुगत करो सेवा अधिकार दियो करो निज दासी दीन कृष्ण दास कोई न मोर होए श्री राधा गोविंद प्रेम सदा इन बासी नमो नमा। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमा। यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादि कानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदर्शिन पदे पदे। यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादि कानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदर्शिन पदे पदे। यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादि कानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदर्शिन पदे पदे नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। वृंदाय तुलसी देवी प्रियाय केशवसी च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे। जय तुलसी महारानी तुलसी महारानी तुलसी महारानी जय तुलसी महारानी। जय वृंदे देवी वृंदे देवी वृंदे देवी जय वृंदे देवी। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर कीर्तन किया आपने। काजल माता जी, आप हैंड रेस किए हैं, आप करना चाहेंगे? हरे कृष्णा, अनम्यूट कर लीजिए माता जी आप। हरे कृष्णा माता जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। दंडवत प्रणाम सभी को। दंडवत प्रणाम सभी का। बहुत बहुत स्वागत आज की कक्षा में। हरे कृष्णा। तो हरे हम आज कृष्ण क्लास शुरू माता करते हैं। जी, जी माता जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। मंगलाचरण लेंगे पहले हम। ओम अज्ञान्तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरनमिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिनी। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी श्री
कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधारा शिवसादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम, कोटि कोटि नमन। तो हम आज अध्याय अपना शुरू करते हैं। हम पहले छोटा सा एक क्विक रीकैप लेंगे। अगर कोई बताना चाहता है तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं कि कल के अध्याय में हमने क्या पढ़ा था। हमारे कल के अध्याय का नाम क्या था, कोई बताना चाहेगा? हरे कृष्णा जी, अरविंद पूछिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण पूछिए। हमारा अध्याय का नाम था कंटेंट्स ऑफ गीता समराइज्ड इन इंग्लिश में, गीता जी की समरी। जी और कल हमने शुरू किया था भगवान के छह, भगवान संपूर्ण है क्योंकि उनके अंदर सिक्स वो है, नॉलेज, ओपुलेंस डेंस बिजनेस, यस यशवान, शक्तिवान, संध्यावान, त्यागवान। जी और उसके बाद हमने पढ़ा था थ्री लेवल है नॉलेज के। पहला जी है ब्रह्म ज्योति जिसको निराकार भी बोला गया है, दूसरा जी है परमात्मा, तीसरा है परमेश्वर। फिर मैंने पूछा था गॉड निराकार है या साकार या दोनों। और एक था अर्जुन का युद्ध ना करने का पांचवा कारण, इनडिसिजिवनेस। उसके बाद इसको सांख्य योग भी बोला गया है। और इसमें यह भी बताया गया था कि 18वें चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि तेरा कर्म करने पे अधिकार है, कर्म के फल पे नहीं। और हमने तीन गुणों के बारे में पढ़ा था, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, जो कि शरीर में है लेकिन आत्मा में वो भी गुण नहीं है। आत्मा गुणा अतीत है, आत्मा इन गुणों से ऊपर है। जब ये तुम तीन गुण आप में नहीं रहते तो तुम एक आत्मा में लीन होते हो। यही था, और भी बहुत कुछ था वैसे तो। जी थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत सुंदर व्याख्या की आपने। कोई और कुछ बताना चाहेगा? किसी की और कोई रियलाइजेशन या कुछ और हो कल के चैप्टर के बारे में? जी चलिए शुरू करते हैं फिर हम आज का चैप्टर। जी हमने कल के अध्याय में हमने कल और परसों हमने दो अध्याय पढ़े, प्रथम अध्याय और द्वितीय अध्याय। तो हमने पहले ये हेलो जाना था। हेलो जी जी माता हरे जी, जी हरे हेलो। कृष्ण जी जी प्रभु जी बोलिए। मेरी वो कल वाली समस्या क्योंकि मैं लॉग इन की दूर नहीं हुई, मैंने इंग्लिश सेक्शन में भी रेज किया था तो उन्होंने मुझे एक पासवर्ड भेजा, वो पासवर्ड भी डाल के देखा तो वो समस्या दूर नहीं हुई, अभी तक नहीं लॉग इन हो रहा। प्रभु जी आप पहले कर चुके हैं, क्विज कर चुके हैं आप पहले एक बार, आप फर्स्ट लेवल कर चुके हैं। शायद तो हो सकता है प्रभु जी आपने फर्स्ट लेवल में तब क्विज किया हो। तो मुझे कैसे पता चलेगा? तो प्रभु जी आपके पास में सर्टिफिकेट आप चेक कीजिए नहीं, कि मेरे पास तो अगर कुछ ऐसा, मेरे को ध्यान नहीं है कि मेरे पास सर्टिफिकेट आया और मैंने सेव किया हो। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी आपका जो आपने कल पासवर्ड लॉगिन आईडी दिया था ना, मैंने करके हाँ देखा था प्रभु जी, आप लॉगिन करने के बाद में ना हाँ हो रहा है प्रभु जी आपका, वो दिखा रहा है। मैं आपके उससे यानी मतलब वहां तक पहुंच गई थी जहां तक आपका क्विजेस है ना। तो आपको क्या नहीं, करना है, लॉगिन के बाद आप लॉगिन होते हैं ना, हाँ लॉगिन के बाद अंदर जाके ना आपको कोर्स ऊपर में ना राइट साइड में आपको कोर्स दिखाएगा प्रभु जी, है नहीं, ना मैं जब लॉगिन होता नहीं जब मैं माता लॉगिन जी। होता हरे हूँ। कृष्णा हरे कृष्णा माता जी। हम लोग हाँ ऐसा जी करते हैं माता जी, हम क्लास करते हैं क्योंकि बाकी सभी जी स्टूडेंट जी भी जी होंगे, तो हम हाँ ये हाँ क्विज लास्ट में लेते हैं। ठीक है ठीक जी प्रभु है जी। हाँ जी, बाद सॉरी लास्ट में सॉरी पूछते प्रभु हैं, जी। हाँ सॉल्व करते हैं बाद बाकी सभी। में बात कर लेते। जी जी
तो आज का हमारा अध्याय है कर्म योग। तो जैसे हमने जाना था कि कल के अध्याय में हमने पढ़ा था कि जो हमारा अध्याय है, कल के अध्याय का नाम था गीता का सार। तो जो भी हमने एक बताया था कि जो निचोड़ है, जो सारा भगवान गीता में बताते हैं, तो उसकी क्या है, एक समरी है। तो हमने कल आपको बताया था कि कोई भी हम काम शुरू करते हैं तो पहले हम क्या है, उसका एक ओवरलुक लेते हैं कि ये है, और फिर उसका हम गहन अध्ययन करते हैं या गहन उसको समझते हैं। तो भगवत गीता में जो गीता का सार है उसमें भगवान ने तीनों योग, ज्ञान, कर्म और भक्ति का वर्णन किया। और फिर उन्होंने, भगवान ने बताया कि भगवान ने यहाँ किसी भी तरह से, देखो आत्मा का भी भगवान ने यहाँ पे वो बताया सांख्य योग के द्वारा, फिर कर्म योग के द्वारा बताया कि तुम कर्म करो, अगर तुम कर्म करोगे तुम अपने मार्ग से पीछे नहीं हटोगे, जीतोगे तो तुम राज्य का भोग करोगे, और अगर नहीं तुम जीतते हो, तुम्हारी मृत्यु हो जाती है, तो तुम्हें क्या है, स्वर्ग प्राप्त होगा। तो इस प्रकार भगवान ने कर्म योग के बारे में भी बताया। अब यहाँ पर क्या है, जैसे हमने पहले अध्याय में भी जाना था, अर्जुन क्या है, हिंसा से डर रहे हैं, पाप से डर रहे हैं, वो युद्ध नहीं करना चाहते। तो भगवान ने कर्म योग के बारे में बताते हुए कहा था कि तुम समता में रहते हुए कर्म करो, अगर तुम ऐसा कर्म करोगे तो तुम्हें कोई भी कर्म का बंधन नहीं होगा। फिर उसके बाद में समता अर्थात क्या, कि अपनी जो निश्चय वाली, एक हमने पढ़ा था ना व्यवसाय आत्मिका बुद्धि, अर्थात एक निश्चय बुद्धि होकर तुम कर्म करो। और फिर हमने पढ़ा था कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात क्या कि मनुष्य को कर्म करने का फल तो है परंतु उसके कर्म के फल का उसको कोई अधिकार नहीं है। तो समता में रहते हुए हमें कर्म करना है, क्योंकि समता ही जो है, अर्थात हमें हर परिस्थिति में, हम आगे भी पढ़ेंगे, जैसे हमने बताया था ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षती, समस्त सर्वेषु भूतेषु, तो क्या है, समस्त सर्वेषु अर्थात सब प्रकार से जो भी स्थितियां आती हैं उसमें सम रहना है, दुख आए सुख आए, बहुत हानि हो लाभ हो, गर्मी हो सर्दी हो, में क्या है, सम परिस्थिति में रहना है। तो भगवान यहाँ समता का वो बता रहे हैं। और समता कब होगी, हमने कल पढ़ा था कि जब हमारी बुद्धि में वैराग्य आएगा, जब हम जान पाएंगे परिस्थितियों को, और वो किस तरह से, जब हमारी स्थिर बुद्धि होगी तो हम कामना का त्याग कर सकते हैं। तो जब भगवान ने इस प्रकार से उपदेश दिया तो यहाँ पर क्या, भगवान ने कहा था बुद्धि योग के द्वारा कार्य करो। तो ऐसा करने पर आज के हमारे अध्याय का नाम है कर्म योग, अर्थात योगा ऑफ एक्शन, कि हम योग का अर्थ क्या होता है, किसी भी चीज से जुड़ना। तो ठीक है, तो हम यहाँ क्या, कर्म योग से जुड़ना, कर्म से जुड़ना, तो हम क्या योग कर रहे हैं, एक्शन के लिए। तो पर हमें क्या है, उसका जो सही परसेप्शन है उसे हमें समझना होगा, क्योंकि कर्म योग और कर्म कांड, जैसे हमने क्लास में हम बात कर रहे थे कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं, वो जानते हैं अपना सारा जीवन क्या है, पेड़ पौधों की पूजा करनी है, हमने अनेक देवी देवताओं की करनी है, हमें यहाँ अन्नत मान के आनी, तो क्या कर्म कांड में ही अपना समय व्यतीत करते हैं। परंतु भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि कर्म योग और कर्म कांड एक समान नहीं है। कर्म कांड का अर्थ क्या होता है, देवी देवताओं की पूजा करना, परंतु किस लिए करना, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। अर्थात क्या है, आप लोग देखते हैं कि हम क्या सोचते हैं, मुझे बहुत सारा धन मिल जाए, हम लक्ष्मी जी के व्रत कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, हमें बल बुद्धि चाहिए, हम हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमें देवी देवताओं की कि हमें पूजा नहीं करनी है, या हमें देवी देवताओं को रिस्पेक्ट नहीं करना है, परंतु भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि ये कर्म कांड है, अर्थात आप क्या है, कोई भी कार्य करते हो उसके फल की इच्छा आप है, तो ये क्या है, कर्म कांड है। परंतु जो कर्म योग है वो इसके बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि इसमें क्या है, इस प्रयास में परमेश्वर को खुश करने और सेवा करने के लिए कर्म योग, कर्म योग अर्थात कर्म के साथ जुड़ना, परंतु कैसे जुड़ना, कि हम इसमें परमेश्वर को हमें खुश करना है, उनकी सेवा करनी है। देखिए, एक कोई माता होती है अपने बच्चे की जब देखभाल करती है, उसकी सेवा करती है, तो उसे ये इच्छा नहीं होती ना कि ये मेरा बच्चा है, ये मेरे को, इससे मुझे कुछ चाहिए, नहीं ना। परंतु क्या है, इसी प्रकार से निस्वार्थ भाव से जो हम कार्य करते हैं तो वो परमेश्वर को, तो अगर हम परमेश्वर को खुश करने के लिए कोई कार्य करते हैं तो वो क्या है, उनकी सेवा के लिए कर्म योग है। अब जब भगवान ने यहाँ बताया कि तुम बुद्धि योग के द्वारा कार्य करो,
तो अर्जुन क्या है, अर्जुन यहाँ पर क्या हो गया, अर्जुन ने जब वो जब भगवान ने ये कहा कि तुम बुद्धि के द्वारा, तो वो अर्जुन यहाँ क्या है, कंफ्यूज हो गए। और वो क्या प्रश्न पूछते हैं कि अगर बुद्धि सकाम कर्म से श्रेष्ठ है तो आप मुझे युद्ध करने को क्यों कह रहे हैं। अर्जुन क्या कह रहे हैं, अर्जुन उवाचा यायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे घोर युद्ध में क्यों लगा रहे हैं। क्योंकि क्या है, अर्जुन की समझ से ज्ञान और कर्म क्या है, असंगत है। ज्ञान और कर्म का कोई मेल नहीं है। तो इसीलिए, क्योंकि संसार में हम सबका भी यही क्वेश्चन होता है कि अगर हमें कार्य ही नहीं करना तो फिर अगर हमें बुद्धि इस्तेमाल करनी है तो हम इन बेकार के पचड़ों में क्यों पड़े, हम कर्म करें ही क्यों। तो भगवान इसका उत्तर आगे किस तरह देते हैं, वो पहले अर्जुन पूछते हैं। व्यामियम व्यामिश्रवेण व्याख्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तद एकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्युनाम। आपके अनेक अर्थ, अर्थात आप कभी कहते हैं कि कर्म करो अभी, और कभी आप कहते हैं कि बुद्धि द्वारा, बुद्धि का इस्तेमाल करो। तो इन आपके जो जो उपदेश है, इनसे क्या है, मेरी बुद्धि मोहित हो रही है कि मैं क्या करूं। तो इसीलिए आप मुझे क्या कहिए, तद एकम वद, तद एकम वद अर्थात मुझे एक बात बताइए भगवान जो मेरे लिए श्रेयकर है, कि मुझे क्या करना है। देखिए यहाँ पर क्या है, अर्जुन है, आप लोग स्लाइड में देख पा रहे हैं, जिस तरह से हम कभी किसी कठिन परिस्थिति में होते हैं, हम समझिए कहीं जा रहे हैं रास्ते में, तो हमें रास्ता समझ नहीं आता कि हमें लेफ्ट लेना है राइट लेना है, तो हमें क्या है, उस समय में हमें किसी ज्ञान की जरूरत होती है कि कोई हमें मार्ग दिखाए। तो इसी प्रकार क्या है, अर्जुन कह रहे हैं तद एकम वद, कि आप मुझे एक रास्ता बताओ कि मुझे क्या करना है। तो भगवान यहाँ क्या बताते हैं, श्री भगवान उवाचा लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघा ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां। श्री भगवान ने कहा कि हे निष्पाप अर्जुन, हे निष्पाप अर्थात उनमें कोई पाप नहीं है, निष्पाप, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। किस प्रकार से, कुछ ऐसे जो ज्ञान योग के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं, जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था कि क्या है, भगवान को जानने के तीन लेवल हैं। तो जो कुछ लोग क्या होते हैं, ज्ञान के द्वारा भगवान को जानना चाहते हैं, और कुछ क्या है, भक्ति के द्वारा। तो जो भक्ति में सेवा क्या है, वो एलिवेटेड है। जिस तरह से देखिए, अगर हम सीढ़ी चढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते हम अपनी मंजिल को प्राप्त करते हैं, परंतु क्या है, भक्ति क्या है, एक एक्सीलेटर की तरह है कि हम डायरेक्ट भगवान तक पहुंच सकते हैं। तो भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि दो प्रकार के ऐसे लोग हैं जो कि आत्म साक्षात्कार, अर्थात जैसे हमने कल जाना था कि आत्मा का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान के बाद हम जान पाते हैं कि हम क्या है, अणु आत्मा है, परमात्मा के अंश हैं, और हमारे क्या कार्य हैं, हमें क्या करना है नहीं करना है। तो इस प्रकार से जब हम जान जानने की कोशिश करते हैं या उस मार्ग पर हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, आत्म साक्षात्कार, अर्थात कि हम कौन है, मैं कौन हूँ, मैं इस धरती पर किस लिए आया हूँ, मेरा क्या कार्य है। तो क्या है, आत्म साक्षात्कार। तो इसको जानने के लिए भगवान कहते हैं दो प्रकार के लोग होते हैं। तो भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि ये श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तरीके से उसको व्याख्यान करते हैं कि जो भौतिकवादी व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, मनुष्यों को, भौतिकवादी मनुष्यों के हृदयों को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर पाता है। क्योंकि अर्जुन ने यहाँ क्या प्रश्न किया कि मैं कर्म करूं या संन्यास ले लूं, मैं त्याग कर दूं इसका। तो इसीलिए भगवान क्या बता रहे हैं कि कर्मों का त्याग कौन कर सकता है, जब उसका हृदय निर्मल हो और उसने विधि विधान से वो शुद्ध हुआ हुआ हो,
तभी वो वहां तक पहुंच सकता है, क्योंकि शुद्धि के बिना, देखिए शुद्धि ऐसा नहीं है कि हम क्या है, जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था कि एक बाह्य शुद्धि है, एक आंतरिक शुद्धि है। बाह्य शुद्धि हमने शरीर को स्नान ध्यान कर लिया, अच्छे साफ कपड़े पहन लिए, वो शुद्धि नहीं है। हमारी आत्मा जब शुद्ध होगी तो शुद्धि के बिना संन्यास ग्रहण करने से कोई सफलता नहीं मिलती है, क्योंकि हृदय की शुद्धि के बिना अगर संन्यास लिया जाता है तो वो क्या बताया गया कि सामाजिक व्यवस्था में उससे वो उत्पात होता है। अर्थात क्या है कि अगर हम संन्यास ले लेते हैं और हमारा ध्यान तो है ही नहीं इसमें, हमारा ध्यान भटका हुआ है, तो क्या है वो सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न करता है। और अगर दूसरी तरफ अगर यदि कोई भगवान को पूर्ण रूप से समर्पित है और दिव्य सेवा उनकी करता है, तो अगर वो अपने नियत कर्म भी नहीं कर रहा है तो भी क्या है भगवान उसे स्वीकार करते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है, बुद्धि योग, अर्थात निष्काम भाव से भगवान के प्रति कार्य करना। आप लोग देखते हैं ना, अगर आप लोग कुछ लोग अगर बड़े बड़े तीर्थ स्थलों पे गए हो, वृंदावन गए हो, तो आपने देखा बहुत से ऐसे उच्च स्तर के ज्ञानी ध्यानी या वो होते हैं कि लोग उनको पागल बाबा कह के पीछे पीछे भागते हैं कि इनको तो ना ये पता कि हमें नहाना है, अपने उनके पता नहीं कब से सालों से उनके बाल नहीं बंधे हुए हैं। तो पर क्या है, वो आंतरिक रूप से भगवान के प्रति समर्पित हो चुके हैं। तो भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि अगर वो अपने नियत कर्म नहीं भी करते हैं ऐसे व्यक्ति, तो भी भगवान उन्हें स्वीकार करते हैं। परंतु भगवान किसे स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि भगवान ने यहाँ बताया, क्योंकि अगर हम ना तो अगर हम कर्मों से विमुख होकर हम अपने कर्म फल से छुटकारा नहीं पा सकते। किस प्रकार, देखिए हम ये सोचेंगे कि हम तो कोई कार्य करें ही नहीं तो हमें किसी भी प्रकार का कर्म फल लगेगा ही नहीं, जब हमने कार्य ही नहीं किया तो अच्छाई और बुराई हमें क्या लगेगी। परंतु देखिए हम सांस लेते हैं, उस सांस में हमारे साथ असंख्य कीड़े जाते हैं, भोजन पकाते हैं, उसमें अनजाने में हमसे कितने वो होते हैं। तो ये क्या है, कर्म तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो भी हम क्या है ऑटोमेटिकली हमारे कर्म हो रहे हैं। तो इसीलिए भगवान क्या कह रहे हैं, तो इससे तो अच्छा है ना कि जो हमारे नियत कर्म है हम उन्हें करें, क्योंकि अगर कर्म से विमुख हो जाते हैं तो भी हमें कर्म फल से हम छुटकारा पा जाए ऐसा संभव नहीं है, और ना ही सिर्फ संन्यास लेने से व्यक्ति को सिद्धि प्राप्त होती है। तो भगवान क्या बताते हैं कि भगवान किन की स्वीकार नहीं करते हैं, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य आसते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्था विमूढात्मा मिथ्याचार समुच्यते। जो कर्म इंद्रियों को वश में तो कर लेता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का ही चिंतन करता है, कर्म इंद्रियों से क्या कर्म नहीं करेंगे, हमने अपनी इंद्रियों को रोक लिया कि हम तो हाथ पांव नहीं चलाएंगे, हम तो ये कार्य नहीं करेंगे, तो उन्होंने वश में कर लिया। परंतु क्या उनका मन, क्योंकि हमारा मन क्या है, हम आगे पढ़ेंगे कि हमारे जो 24 तत्व हैं उसमें मन क्या है हमारा सबसे जो स्ट्रॉन्ग, जो तीव्रता है हमारे मन की है। तो परंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता है वह निश्चित रूप से ही स्वयं को धोखा देता है। तो भगवान उनको क्या कह रहे हैं, मिथ्याचारी बता रहे हैं। आप लोग यहाँ स्लाइड में देख पा रहे हैं कि किस तरह से एक ये इन्होंने शरीर से तो संन्यास ग्रहण कर लिया, परंतु कान पे मोबाइल लगाए हुए, हाथ में सिगरेट है, उनके तो क्या वे विषय विकारों को छोड़ पाए हैं। तो भगवान ऐसे व्यक्तियों को क्या बताते हैं, मिथ्याचारी, ढोंगी बताते हैं भगवान ऐसे व्यक्तियों को। तो इसीलिए क्या है, अगर हम संन्यास, संन्यास क्या है, हम अपने मन से, और वैसे भी कलयुग में संन्यास की प्रवृत्ति को की विवेचना नहीं की गई है, क्योंकि व्यक्ति जो है अपने विषय वस्तुओं में इतना निर्लिप्त रहता है। तो इसीलिए भगवान क्या कहते हैं कि इसको मोड़ कर तुम अपनी इंद्रियों को भगवान के लिए समर्पित करके कार्य करो। तो जो ऐसा कार्य नहीं करता तो उन्हें मिथ्याचारी कहा गया। अब इस प्रकार से हम यहाँ जान सकते हैं, यहाँ आप देख पा रहे हैं कि यहाँ स्लाइड में भरत महाराज की कथा बताई गई है। आप लोग जानते ही होंगे भरत महाराज क्या थे, बहुत ज्ञानी और बहुत पहुंचे हुए संत थे, और बहुत ही बड़े राजा थे वो। तो उन्होंने जब अपने वानप्रस्थ आश्रम के बाद में उन्होंने संन्यास ग्रहण करने के लिए, वो जब संन्यास के लिए जंगल में चले गए, वहां उन्होंने सब कुछ छोड़कर और भगवान की ध्यान और पूजन में लगे। परंतु एक बार उन्हें नदी में एक हिरणी जो गर्भवती थी वो दिखाई दी, कि शिकारी ने उसका वो उस उसको बाण मारा और उसको
एक हिरण का बच्चा उत्पन्न हुआ, और परंतु हिरणी क्या है, उसकी मृत्यु हो गई। तो भरत महाराज मोहवश उसको उठा लाए और उसका ध्यान और वो सब रखने लगे। परंतु क्या है, उन ध्यान में वो इतने मोह में उसके में फंस गए कि जब उनको मृत्यु का समय आया तो उनको क्या लगा कि अगर मेरी मृत्यु हो गई तो उस हिरण के बच्चे का कौन ध्यान रखेगा। तो ये सोचकर जब उन्होंने उनके अंत समय में, उनकी मृत्यु के समय जब उनको ये ध्यान हुआ, उनका अगला जीवन क्या हुआ, उनको हिरण का ही पाप। देखिए जैसे हम लोग अभी कल की क्लास में भी बात कर रहे थे ना, ऊंचे से ऊंचे एलिवेटेड अगर हम पहुंच जाए और हमसे कोई गलती हो जाए तो क्या है, उसका भुगतान तो हमें भुगतना पड़ेगा। परंतु हमने निरंतर अगर हमने कृष्ण भावनामृत होकर अगर हमने सेवा की है, अर्चना की है और महामंत्र का जाप किया है, तो क्या है वो जो हमारा समय है वो बहुत छोटी अवधि में, तो उनको कुछ समय के बाद हिरण की वो योनि के बाद उनको वापिस जड़ भरत का उनको वो मिला, शरीर प्राप्त हुआ, और जिसके द्वारा उनको फिर उन्हें मनुष्य जन्म के द्वारा ही भगवत धाम प्राप्त हो सकता है। तो उनको जड़ भरत का जो उनको दूसरा जीवन मिला, तो फिर उसके बाद में उनको ज्ञान था अपने। देखिए नॉर्मली व्यक्ति होते हैं उनको अपने पिछले जन्मों का कोई ज्ञान नहीं होता, परंतु क्या है वो एलिवेटेड संत हैं, तो इसीलिए क्या उनको जब हिरण की योनि में थे तब भी और जड़ भरत की योनि में उनको अपने पिछले जन्मों का, उनको पूर्व जन्म का आभास था। तो इसीलिए उन्होंने अपनी जो भक्ति के द्वारा उन्होंने भगवत धाम को प्राप्त किया। तो इस प्रकार से हमें ये समझना है कि हमारा जो भी कार्य है या जो भी हम वो स्टेप उठाते हैं तो बहुत हमें समझ के और सोच समझ के संभल के लेना है। तो इसीलिए भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि श्री कृष्ण विष्णु के लिए अगर तुम यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा हम क्या है इस भौतिक जगत जगत के बंधन में उत्पन्न होते रहते हैं। जैसे अभी हमने पिछली स्टोरी पढ़ी, तो क्या है हम अगर अनजाने में बगैर जाने हम सोचते हैं हम तो बहुत अच्छे कर्म कर रहे हैं, परंतु क्या है अगर हमें वो कर्म हमें क्या है भगवान को हम अर्पित करके करने हैं हमें, तो भगवान क्या कह रहे हैं, हे कुंती पुत्र तुम जो भी कार्य करते हो तो भगवान की प्रसन्नता के लिए वो कार्य करो, तो इस तरह से तुम क्या है बंधन से मुक्त हो जाओगे। देखिए हम भोजन बनाते हैं, हमें क्या है अपनी जीवा के स्वाद के लिए भोजन नहीं बनाना, हमें ये सोचना है कि आज मेरे भगवान को क्या पसंद है, आज उनको मेरे कृष्ण को क्या मैं भोजन अर्पित करूं, उनके लिए मैं क्या बनाऊं, क्या भोग लगाऊं। उनको हमने भोग लगाया, उनके प्रसाद रूप में हमने भोजन ग्रहण किया, तो क्या है हमारी इंद्रियों की भी तृप्ति हुई, पर क्या है वाया भगवान के द्वारा, भगवान के प्रसादम के द्वारा हमने अपनी इंद्रियों की तृप्ति की। तो इसी प्रकार भगवान क्या बता रहे हैं कि भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए ही कर्म करना चाहिए, क्योंकि इस जगत में किए जाने वाला अन्य कोई भी कर्म बंधन का कारण हो सकता है। हम किसी भी प्रकार का कर्म करेंगे हम तो सोचेंगे हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, परंतु हम नहीं जानते कि वो हमारे लिए बंधनकारी हो सकता है, क्योंकि हमें अच्छे और बुरे दोनों कर्मों का फल मिलता है। अतः और कोई भी फल कर्म करने वाले को बांध लेता है, अतः कृष्ण अर्थात विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होना होगा, और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वो मुक्त दशा को प्राप्त होता है। यही महान कर्म कौशल है, और प्रारंभ में इसी विधि से हमें धीरे धीरे क्या है कुशल मार्गदर्शन की हमने कल बात की थी। हमें क्या चाहिए, गुरु साधु शास्त्र, हमें गुरु चाहिए, हमें साधु अर्थात जो हमारे साधु अर्थात क्या होते हैं जो कि हमारे आपस में हम जो भक्त हैं डिवोटीज हैं उनका संग और शास्त्रों का संग। तो इस प्रकार से अगर हम इस मार्गदर्शन के द्वारा आगे बढ़ते हैं तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि कोई भी अगर हम कर्म करते हैं तो उसका चाहे हम अच्छा करेंगे चाहे हम बुरा करेंगे। देखिए अगर हम अच्छा कर्म करते हैं, जैसे हम समझिए हम कोई अर्निंग करते हैं, तो हम क्या है अर्निंग करते हैं और पैसा कमा के बैंक में जमा कर देते हैं, बैलेंस आता है, और जब हम कहीं घूमने फिरने गए शॉपिंग में हमने खर्चा कर दिया तो हमारा क्या है हमारा बैलेंस धीरे धीरे कम होता जा रहा है, और फिर हम दोबारा कर्म खर्च करेंगे अर्न करेंगे दोबारा पैसा जमा करेंगे, तो ये क्या है निरंतर प्रक्रिया चलती चली जाती है। इसी प्रकार अगर हम पुण्य कर्म करते हैं तो हम ऊंचे लोकों में जाएंगे, जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा था कि हम स्वर्ग लोक को प्राप्त करेंगे, स्वर्ग लोक में गए हमारे पुण्य कर्म खत्म हो गए तो हम वापिस पर क्या है पृथ्वी पर पटक दिए गए, हमने बुरे कर्म किए तो हम निचले लोकों में निचली योनियों में चले गए और निरंतर हमारा
पतन होता चला गया। तो इसीलिए हमें क्या है, हमें ऐसा समझना है कि सिर्फ हम ये नहीं सोचे कि हम तो सिर्फ सब काम अच्छे कर रहे हैं, हम जो कार्य कर रहे हैं हम नहीं जानते कि वो हमारे कार्य कितने अच्छे हैं और कितने बुरे हैं। तो परंतु अगर हम वो भगवान कृष्ण को समर्पित करके अगर हम कार्य करते हैं तो ये कार्य बंधनकारी नहीं होते हैं। तो भगवान यहाँ बताते हैं कि यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे। क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि अगर हम क्या सोचते हैं, हम माता की पूजा करें तो हमें धन प्राप्त होगा, विद्या प्राप्त होगी। तो इसी प्रकार से मनुष्य और देवताओं के मध्य में क्या होता है, सहयोग होने से संपन्नता होती है। अर्थात ये क्या, इट्स अ कनेक्शन, ये क्या है, एक तरह का साइकिल है कि हम कर्म करते हैं, हम उसका यज्ञ करते हैं और उसका हमें फल मिलता है, फल के प्रति हम फिर दोबारा से कर्म करते हैं, यज्ञ भगवान को वो करते हैं समर्पित उसके। तो इस प्रकार से ये चक्र है। तो यज्ञ क्या है, यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं और शुद्ध भोजन करने से मनुष्य क्या है, जीवन शुद्ध हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ बताया गया ना कि जो हम भगवान का भोग लगाते हैं उसको जब हम प्रसाद रूप में भगवान को अर्पित करते हैं, तो ये आज के हमारे साइंटिस्ट भी इस बात को मान चुके हैं कि अगर हम पॉजिटिव भावना से, अच्छी भावना से हम भगवान के प्रति अगर हम उसको करते हैं तो क्या होता है, उससे हमारे जो स्मृति के सूक्ष्म वो है तंतु अर्थात वो शुद्ध हो जाते हैं। आप देखते हैं ना, हम कहते हैं कि हम बहुत निर्मल मन से अगर हम किसी व्यक्ति को भोजन कराते हैं ये सोच के कि इसमें तो भगवान बैठा है ना, तो ये अगर हमारी भावना हो जाती है कि हमने भगवान को, कृष्ण को अर्पित किया और फिर हमने प्रसाद रूप में सभी को हमने वितरण किया, तो क्या है, ये हमारा धीरे धीरे हमारी जो मेमोरी, हमारी स्मृति को क्या है, शुद्ध करता है। और अगर हमारी स्मृति शुद्ध होती है तो क्या है, मनुष्य मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है। तो इसी प्रकार से क्या है, ये सीरीज की तरह है। और ये आज का जो जीवन है, आप लोग देख रहे हैं लोगों में कितनी आपाधापी है, सिर्फ अपनी मान बढ़ाई के लिए लोग भागना चाहते हैं। परंतु अगर हम अपने भोजन की, हम अपने ये जो हम जो भी हम भोजन करते हैं, खाद्य पदार्थ लेते हैं, अगर उसकी हम शुद्धि करें तो क्या है, हमारा मन और बुद्धि स्वयं ही शुद्ध हो जाती है। लोग बचपन से पढ़ते आए हैं ना इस बात को कि जैसा खाओ मन अन्न वैसा हो जाए मन। तो इसीलिए क्या है, अगर अन्न की क्या है इम्पोर्टेंस है कि अगर हम भगवान को अर्पित करके उसको करेंगे तो वो शुद्ध हो जाता है। तो जीवन के विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए विभिन्न देवता संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। हम लोग ने जाना ये कि हम जिस प्रकार से देवताओं को अर्पित करेंगे तो वो क्या है, बदले में हमें उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। तो इसीलिए क्या कहा गया है कि हम लोग कहते हैं ना, हमारे अलग अलग ऋण है, देव ऋण है, पितृ ऋण है, मातृ ऋण है। तो इसी प्रकार से हमारा देव ऋण क्या है कि हम देवताओं को अर्पित करके अगर भोजन नहीं करते हैं तो भगवान क्या कहते हैं, वह चोर है। तो जो भी देवतागण, और असल में वो क्या होता है, जो भी हम भगवान को, उनको देवताओं को अर्पित करते हैं वो क्या है, भगवान विष्णु को ही अर्पित किया जाता है। तो ये क्या है, रास्ता अलग है, हमें क्या है, स्वयं भगवान विष्णु को अगर हम अर्पित करेंगे तो सभी देवताओं को उनका भाग मिल जाता है। तो इसी प्रकार से जो सभी देवता है वो विष्णु द्वारा भोग सामग्री प्रदान करने के लिए नियुक्त किए गए हैं। देखिए आप लोग जानते हैं ना कि अगर कोई भी राज्य है तो उसमें जो सुप्रीम होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, राष्ट्रपति होंगे, वो क्या है, अपने नीचे अधिकारी बनाएंगे कि तुमको ये कार्य करना है, तुमको ये कार्य करना है। तो इसी प्रकार से जो सभी देवता वो क्या है, भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण के द्वारा ही नियत किए गए हैं। अतः नियत यज्ञों के द्वारा उन्हें अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो क्योंकि क्या है, अंततः सब क्या है, भगवान को ही अर्पित है ये। किंतु जो ये नहीं समझ पाता कि भगवान क्या है, तो उसके लिए देवों का यज्ञ करने का विधान बताया गया। तो हम आगे पढ़ेंगे कि वेदों में किस तरह से हम धीरे धीरे ये जान पाते हैं। तो विभिन्न देवताओं की पूजा भी क्या है, उनके गुणों के अनुसार से ही की जाती है। तो भगवान के भक्त क्या है, सभी प्रकार के पापों से मुक्त होते हैं क्योंकि वो क्या है, भगवान को अर्पित करके प्रसाद ग्रहण करते हैं। और इसीलिए वो अपनी इंद्रिय सुखों के लिए नहीं परंतु भगवान के अर्पित करने के लिए। परंतु जो अन्य लोग हैं वो बनाते हैं तो वो क्या है, अपनी जिह्वा की तो इच्छा के लिए, अपनी इंद्रिय इच्छाओं के लिए वो क्या करते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं, ऐसे व्यक्ति क्या है, पाप खाते हैं।
अब हमें अन्न चक्र है, जो अन्न यज्ञ का चक्र क्या है, देखिए आप लोग जानिए कि जो सारे प्राणी हैं जीवित रहने के लिए हमें क्या है, अन्न की आवश्यकता होती है। और अन्न हमें कहाँ से प्राप्त होता है, वर्षा से। अगर वर्षा होगी तभी अन्न होगा, और वर्षा क्या होगी, यज्ञ करने से संपन्न होती है। आप लोग जानते हैं पिछले उसमें सतयुग में त्रेता युग में क्या है, बड़े बड़े हवन किए जाते थे, यज्ञ किए जाते थे देवताओं का आह्वान करने के लिए। परंतु आज कलयुग का यज्ञ का है, महामंत्र का कीर्तन जाप, यही भगवान हमें महाकलयुग के, इसीलिए कहा जाता है कलयुग में भगवान की प्राप्ति बहुत आसान है। अगर परंतु क्या है, हमें एकनिष्ठ हो के अगर हम वो भक्ति करें तो यज्ञ क्या है, हमारे नियत कर्मों से ही उत्पन्न होता है, भगवान बता रहे हैं। तो जो परमेश्वर है अर्थात भगवान है, वो ही सभी यज्ञों के भोक्ता है और सभी देवताओं के स्वामी है। ये हम किस प्रकार से जान सकते हैं कि देखिए, अगर जो हमारा शरीर के अंग क्या है, पूरे शरीर की सेवा करते हैं, हमारे हाथ हैं, पांव हैं, हाथों से हम कार्य करते हैं, पांव से हम चलते हैं, परंतु अगर हम भोजन अमाशय में डालते हैं तो क्या है, वो सभी अंगों को स्वयं ही मिल जाता है। तो इसी प्रकार से अगर हम कृष्ण को भोजन अर्पित करते हैं तो वो देवताओं को उनका भाग स्वयं ही प्राप्त हो जाता है। देखिए आप यहाँ स्लाइड में भी देख पा रहे हैं किस तरह से ये यज्ञ का चक्र है, साइकिल ऑफ यज्ञ, वो सेक्रीफाइस कि आप लोग यहाँ देखिए, हमने क्या है, जो भी सारे प्राणी है, देखिए भगवान से ही ये शुरू है, जो भगवान ने ही सारे वेदों में ज्ञान दिया है। और वेदों में क्या ज्ञान है कि हमें अपने नित्य कर्म करने हैं, और नित्य कर्म के द्वारा क्या है, हम अपने यज्ञ को पूरा करते हैं। तो फिर उसके बाद में, और उनको यज्ञ को संपूर्ण होने के बाद ही वर्षा, और वर्षा से ही हमें अन्न प्राप्त होता है। और वो अन्न, अगर अन्न से ही सारे प्राणी जीवित होते हैं, और वो अन्न अगर हम भगवान को समर्पित करके प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं तो हम क्या है, भगवान यहाँ बता रहे हैं कि इस प्रकार से वापिस, ये क्या है, यज्ञ का चक्र है कि ये साइकिल इस प्रकार से चलता रहता है। तो हमें यज्ञ क्या करना है, कलयुग का मंत्र हमने बताया, चैतन्य प्रभु महाप्रभु ने क्या रिकमेंड किया, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। तो इस प्रकार से क्या है, हमें धीरे धीरे, पहले हमें एक माला से शुरू करते हुए धीरे धीरे आप उसकी अवधि को बढ़ाते हुए, उसको एक माला दो माला करते हुए हमें किस प्रकार से क्या है, चैतन्य महाप्रभु ने कहा, श्रील प्रभुपाद ने रिकमेंड किया कि हमें निम्न से निम्न हमें 16 माला जाप करना चाहिए, जिससे कि हम इस भौतिक जगत के कल्मशों से बच सकते हैं। तो ये देखिए आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे किस प्रकार से हमें माला बीड से जाप करना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से हम क्या जान सकते हैं कि जैसे अभी हमने अन्न चक्र पढ़ा, तो इसमें क्या है, हमारी जो हमारी रियलाइजेशन है, हम किस प्रकार से धीरे धीरे अपने आप को एलिवेट करते हैं। तो देखिए हमारा स्तर क्या है, हमारे 5 प्रकार के कोष होते हैं, जिसे कि हम स्तर भी कहते हैं, प्लेटफॉर्म, जैसे कि दैहिक स्तर। दैहिक स्तर क्या है, इसमें जीवन क्या है, सिर्फ अन्न में है। तो आप लोग जानते हैं कि बहुत से कीड़े मकोड़े होते हैं, वो भी क्या है, सिर्फ उनको अन्न प्राप्त हुआ, जीवन उनका वहीं समाप्त हो गया। और फिर उसके बाद क्या होता है, सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए जो कार्य करते हैं इंद्रिय स्तर, ये अन्नमय कोष, और ये क्या है, प्राणमय कोष, ये हमारा प्राणमय कोष है कि जिसमें हम अपने प्राणों को, जब हमें प्राण प्राप्त होते हैं तो उसके बाद क्या है, हम उसमें अपनी इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन। फिर उसके बाद क्या है, मानसिक स्तर, मेंटल प्लेटफॉर्म अर्थात ज्ञान, जब हमारा स्तर थोड़ा सा बढ़ता है कि हम हैं कौन, तो ये क्या है, हमारा ज्ञान का स्तर है, जब हमारी जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। तो ये हम मानसिक स्तर पे, हम जब माइंड इंटेलिजेंट का इस्तेमाल करते हैं, तो ये हम मेंटल लेवल से लेके हम जब इंटेलेक्चुअल लेवल अर्थात हम विज्ञान कोश तक जाते हैं, और हमारा अंतिम पड़ाव क्या है, हम सच्चित आनंद है, क्योंकि हम सच्चित आनंद स्वरूप अर्थात सत्य
चित्त जो हमारी चेतना है, और आनंद हम ब्लिसफुलनेस, तो हम क्या है सच्चित आनंद स्वरूप भगवान के अंश है, तो हम भी क्या है आत्मा जो हमारी है सच्चित आनंद है, तो हम धीरे धीरे क्या है हमें रियलाइजेशन के द्वारा इस स्तर पर ऊंचा उठना है। तो भगवान बताते हैं यामि मां पुष्पिता वाचं प्रवदन्ति विपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यस्तस्थितिवादिनः। जो अल्प ज्ञानी लोग होते हैं वो क्या है, अभी हमने पढ़ा ना कि हम वेदों से ही ज्ञान प्राप्त करते हैं, परंतु क्या है वो वेदों की अलंकारिक भाषा कि हमें ये करना चाहिए तो हमें स्वर्ग प्राप्त होगा, हमें ये करना चाहिए तो हमें धन प्राप्त होगा, तो हम क्या है सिर्फ उस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग तक रुके रह जाते हैं कि हमें अगला जीवन अच्छा मिलेगा, हम स्वर्ग का भोग करेंगे, हमें अच्छे जन्म उसमें होगा प्राप्त होगा, तो इसीलिए क्या है इसे भगवान क्या कहते हैं ये जो कार्य है इसको सकाम कर्म कहा जाता है। सकाम कर्म क्या है, तीन प्रकार के कर्म होते हैं, एक होते हैं सकाम कर्म, एक विकर्म और एक अकर्म। तो सकाम कर्म क्या है, जो हम अच्छे कर्म करते हैं, जो हम पुण्य कर्म करते हैं, जैसे किसी को हमने भोजन करा दिया, किसी को पढ़ा दिया, तो ये सब क्या है अच्छे कर्म है, पर इसमें हमें फल की इच्छा होती है। और विकर्म क्या होते हैं, जो बुरे कर्म होते हैं, जैसे हमने पाप कर्म किए, चोरी की, हत्या की, तो ये हमारे पाप कर्म है। और अकर्म हमारा क्या है, अपने जो हमारे नित्य कर्म है, जो हमारी ड्यूटी है, वो हमें भगवान के लिए करते हैं हम, तो अकर्म अर्थात हमें किसी भी प्रकार के सकाम और विकर्म से हम दूर होकर, और अकर्म अर्थात वो स्थिति आ जाना कि हम कर्म कर रहे हैं पर फल की इच्छा नहीं कर रहे, क्योंकि हम तो भगवान का अंश है और हम उन्हीं के निमित्त कार्य कर रहे हैं, तो ये स्थिति अकर्म है। अब भगवान यहाँ देखिए, आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ जो हमारी पांच इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां, जो सेंस है वो हमारी ऑर्गन है, उनको क्या बताया गया है पांच घोड़ों के समान उनकी व्याख्या दी गई है। जैसे हमारी ये ज्ञान इंद्रियां आंख, नाक, कान, त्वचा तथा जिह्वा, तो ये क्या है हमारी पांच इंद्रियां हैं, और ये किस प्रकार से चलती हैं, इनकी लगाम क्या है, ये मन और बुद्धि के द्वारा, और मन बुद्धि इंटेलिजेंट, तो इनको संभालने वाला कौन सारथी है इनकी इंटेलिजेंट, और आत्मा क्या है इसका भोग करती है। तो इस प्रकार से जो हमारी इंद्रियां मन के द्वारा, हम मन को अगर हम लगाम में करते हैं तो हम अपनी इंद्रियों को वो कर सकते हैं। तो अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्यों को अपना कर्तव्य समझकर ही निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से ही परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है। तो भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि कर्म तो हमें करना है, परंतु हमें सिर्फ अपना उसको कर्तव्य समझ के करना है, हमें कहीं अहंकार का भाव नहीं आना है, सिर्फ क्या है कि भगवान ने मुझे इस निमित्त बनाया है कि आज मैं इस परिवार में हूँ, कि मुझे धन दिया है, मुझे सौंदर्य दिया है, मेरे को ज्ञान दिया है, तो उसका क्या है ये भगवान ने मुझे दिया है, तो मैं उन्हीं को समर्पित करते के उनके लिए कार्य करूं, तो ये हमारी परिस्थिति होनी चाहिए। क्योंकि भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं, हमने कल भी पढ़ा था यद्यताचरति श्रेष्ठस् तत्तद्देवेतरो जनः सा यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। महापुरुष जो भी आचरण करते हैं तो सामान्य पुरुष क्या है उन्हीं का अनुसरण करते हैं, क्योंकि आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं स्लाइड में कि जो घर का बड़ा है, यहाँ पर मुखिया बताया गया, जो कार्य करेगा, तो पीछे पीछे आप लोग देखते हैं ना कि कोई भी छोटे छोटे ये वो है जो है चिकन, ये जो इनके पीछे पीछे वही मार्ग पे चल रहे हैं, तो इसी प्रकार से महापुरुष, तो इसीलिए जो महापुरुष होते हैं उनके ऊपर और ज्यादा क्या होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम जो अपने कार्य करें वो ऐसा आचरण करें कि हमारे घर में, परिवार में, या हम और एलिवेटेड पुरुष उसमें, हाँ उसमें है ज्ञान मार्ग पे है, तो हमें क्या है ऐसा आचरण करना है कि जिसका अनुसरण सभी सामान्य व्यक्ति करें, तो इस प्रकार से क्या है हम एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं जिसका कि सारा विश्व अनुसरण करता है।
भगवान बताते कि जो जीवात्मा है वो अहंकार से ही मोहित होकर कार्य करती है। और क्या है वो खुद, हमने कल आप लोगों को बताया था कि जो 18वें अध्याय में हम पढ़ेंगे कि कर्म करने के क्या है, 5 कारण होते हैं, परंतु क्या है जीवात्मा क्या होती है, अहंकार वश कि मुझे ये शरीर प्राप्त हुआ है, धन प्राप्त हुआ है, मैं ये कार्य कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, तो क्या है वो सभी कर्मों का कर्ता अपने आप को मान के बैठती है। परंतु ये कार्य क्या होते हैं, प्रकृति के गुणों के द्वारा। हमने जाना था कल कि 3 गुण, त्रिगुण, त्रिगुण क्या है, 3 देवी जो है ये, कि प्रकृति के 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण। हम क्या है जीवन भर इन्हीं के बंधन में, आप लोग देख पा रहे हैं किस तरह कठपुतली की तरह नाचते रहते हैं हम। अगर हमारे ऊपर तमोगुण प्रधान हो गया तो हम बुरे कार्यों में लग जाएंगे, रजोगुण हो गया तो हम पैशनेट हो जाएंगे, हम अगर सतोगुणी है तो क्या है हम अच्छे कार्य तो करेंगे परंतु कहीं ना कहीं हमें अहंकार भाव में भी फंस सकते हैं उसमें। तो इसीलिए क्या है भगवान इसलिए बताते हैं कि हमें इन 3 गुणों से ऊपर उठना है। अभी ज्ञान के बाद अर्जुन ने पूछा कि हे वृष्णिवंशी, वृष्णिवंशी क्यों, भगवान वृष्ण वंश के हैं इसलिए वृष्णिवंशी भगवान को कहा उन्होंने कि मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए क्यों प्रेरित होता है। तो ये हमारे भौतिक जगत में हम मनुष्यों का भी यही वो क्वेश्चन होता है ना कि हम तो नहीं चाहते फिर भी हम क्यों हम गलत कार्य करने लगते हैं, और हमें ऐसा क्यों लगता है कि हमें बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा हो। आप यहाँ स्लाइड में देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से, देखिए क्या है एनवी, और यहाँ बताया गया कि जो ईर्ष्या है, काम है, लोभ है, इसके द्वारा हम बंध जाते हैं। तो भगवान यहाँ क्या बताते हैं, धूमेना व्रियते व्रियथा वृथादर्शो मलिन च यथोलवेनावृतो गर्भस्तथा देतेनेत्मावृतम्। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से तथा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा क्या है इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत हो जाती है। आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि क्या भगवान ने बताया कि देखिए भ्रूण है गर्भ में, परंतु क्या है वो गर्भ से ढका हुआ है, जब वो उसका समय आएगा गर्भ से बाहर निकलेगा तब भ्रूण बालक के स्वरूप में उत्पन्न होगा। इसी प्रकार क्या है जब दर्पण पे धूल जमी होती है तो हम दर्पण को साफ नहीं देख पाते हैं, इसी प्रकार से जब अग्नि होती है तो उसका जो धुआं होता है वो अग्नि को ढक लेता है। इसी प्रकार से जो जीवात्मा अर्थात क्या आत्मा, आत्मा को क्या है काम की जो विभिन्न मात्राएं हैं, अलग अलग कितनी मात्रा में या कितनी उसमें उसके ऊपर काम है वो उसको ढक लेता है। वो किस प्रकार है, इंद्रियाणि मनोबुद्धिर स्याधिष्ठान मुच्यते एतैर्विमोह्यते यतयेष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इंद्रिया, मन और बुद्धि, हमारी इंद्रिया हमने जानी अभी का ज्ञान इंद्रिया, तो इसी प्रकार से हमारी 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया हैं। तो हमारी इंद्रिया मन और बुद्धि क्या है इस कामना के निवास स्थान है। तो हमने कल के अध्याय में जाना था हम क्या होते हैं, विषय वस्तु का अगर हम चिंतन करते हैं तो चिंतन करते हुए क्या है हम धीरे धीरे उसके चिंतन में हम आसक्त हो जाते हैं। तो इसी प्रकार क्या है काम, और उसी से हमारा काम उत्पन्न होता है। तो इसीलिए भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं कि इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है, और इनके द्वारा अगर काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढक लेता है। देखिए अगर हमारे पास कहीं लाइट है, बल्ब लगा हुआ है, अगर हम उसके ऊपर कपड़ा डाल दें, एक कपड़ा, दो कपड़ा, तीन, तो धीरे धीरे हम जितनी लेयरिंग डालते जाएंगे उसकी रोशनी कम होती जाएगी। तो इसी प्रकार से भगवान क्या बता रहे हैं कि जो ये स्थान है इंद्रियां, मन बुद्धि, तो ये क्या है, ये हमें जान लेना चाहिए कि जिससे शत्रु को जीतने वाला, कि शत्रु कहाँ पर है। जब हम जान जाते हैं, देखिए हम कहते हैं ना कि जब हम कहीं जान पाते हैं कि हमारे को कहाँ वार करना है तभी हम उस चीज में सक्सेस होते हैं। तो इसीलिए जब हम ये जान जाते हैं कि हमें शत्रु को कहाँ से जीतना है, अर्थात हमें अपने इंद्रिय मनोबुद्धि को कंट्रोल करना है, तो मन समस्त इंद्रियों का क्या है केंद्र बुद्ध है, एक्सिस पॉइंट है वो उसका। और जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं तो क्या है हमें क्या है धीरे धीरे उस भावनाओं के हम आगार हो जाते हैं। जो हमने कल पढ़ा था कि
तो इस तरह क्या है, हमारी मन और इंद्रियां क्या है, हमारे काम का स्थान बन जाती है, क्योंकि हम उसी का ही चिंतन करते हैं, उसी के बारे में सोचते हैं और फिर हम वैसे ही कार्य करने लगते हैं। तो जब हम ऐसा हो जाता है तो जो बुद्धि क्या है, ऐसी रुचियों की राजधानी बन जाती है, अर्थात हमारी इंटेलिजेंसी, हमारी बुद्धि नष्ट हो जाती है। और फिर क्या है, जब बुद्धि नष्ट होती है तो बुद्धि आत्मा की निकट पड़ोसन है, अर्थात जैसे अभी हमने आपको एग्जाम्पल बताया, तो क्या है, जब हमारी मन और बुद्धि प्रभावित होती है तो हमारी आत्मा भी क्या है, उससे प्रभावित हो जाती है। और जब आत्मा प्रभावित होती है तो उसमें अहंकार उत्पन्न होता है, और वो मन और, देखिए हम क्या है, हम कोशिश करते हैं बहुत कि आज से हमने मीठा छोड़ना है, परंतु हमारी इंद्रियां क्या है, हमारे बस में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कोई बात नहीं, चलो आज थोड़ा सा खा लेते हैं, कोई देख थोड़े रहा, आज चुपके से खा लेते, कल सोचेंगे। तो यहाँ क्या है, हमारा दृढ़ निश्चय नहीं रहा। और अगर हम इसी को कन्वर्ट करके हम भगवान के भोग के रूप में, हम थोड़ा सा प्रसाद के रूप में कहेंगे, तो हमारी क्या है, इच्छा पूर्ण हो जाएगी, और हमें क्या है, हमें प्रसाद रूप में वो हम ग्रहण भी करेंगे, परंतु हमारी इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी। तो इसलिए क्या है, जो अगर हम इस प्रकार करते हैं, तो भगवान क्या कह रहे हैं कि अगर हम मन और बुद्धियों को इस प्रकार की अगर आदत पड़ जाती है, तो क्या उसे भोग करने की आदत पड़ जाती है, और तो वो अपने क्या है, जो उसका वास्तविक स्वरूप है, जैसे हम क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है, वो क्या है, शाश्वत है, गुणातीत है, और निर्मल है, पवित्र है, स्वच्छ है, परंतु क्या है, जब उसके ऊपर मन और बुद्धि अहंकार का उसके ऊपर वो पड़ जाता है, तो उसको भी भोग करने की आदत पड़ जाती है, और वो क्या है, उसी को अपना वास्तविक सुख मान बैठता है। तो इसीलिए भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम प्रारंभ से ही, क्योंकि भगवान ने कल भी बताया ना कि पहले तुम अपने थॉट प्रोसेस को ही पकड़ लो, वहीं से रुक जाओ, तो अगर तुम प्रारंभ से ही इंद्रियों को वश में करने का कार्य करोगे, तो ये जो काम है उसका तुम दमन कर सकते हो, और इस प्रकार अज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता को का वध कर सकते हो। इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर, मन को सावधान करके भगवान में लगाओ। या अपने आप को क्या है, अगर भगवान में लगाओगे तो तुम इस काम के रूप शत्रु को जीत सकते हो। इस प्रकार अब श्रील प्रभुपाद जी इस चैप्टर के बारे में क्या बताते हैं कि जो भगवद गीता का ये अध्याय है, ये मनुष्यों को निर्देश देता है कि निर्विशेष शून्यवाद को, निर्विशेष शून्यवाद अर्थात क्या, कि हमें शून्य में, कि हम शून्य है, क्योंकि ये देखिए जो बुद्धिज्म है उसमें क्या बताया जाता है, हम शून्य है, और निर्विशेष मतलब कि कोई विशेष नहीं है, भगवान निराकारवाद है। तो ये भगवान क्या वो क्या बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी, कि हमें उनको चरम लक्ष्य नहीं मानना है, और किसको मानना है, अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवा समझ के ही हमें सेवा भाव से कर्म करने हैं। तो अगर हम भौतिक जगत में मनुष्य काम तथा प्रकृति पर अगर प्रभुत्व जताने की इच्छा करता है, तो प्रभुत्व और इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं उसकी वजह से ही क्या है, वो उसका शत्रु है। परंतु अगर यही कार्य हम कृष्ण भावनामृत में होकर अपने मन और बुद्धियों पर नियंत्रण कर सकते हैं, तो इसीलिए क्या है, मनुष्यों को अपने कर्मों को बंद करने की जरूरत नहीं है, नियत कर्मों को, कि मैं तो सब कुछ छोड़ के संन्यास ग्रहण कर लूं, उसकी जरूरत नहीं है उसके, परंतु हमें क्या है, धीरे धीरे अपने आप को कृष्ण भावनामृत में विकसित करना है कि हमें किस प्रकार के कार्य करने हैं। तो इस प्रकार से बुद्धि क्या है, हमारी स्थिर होकर दिव्य स्थिति को प्राप्त कर सकती है। तो इस प्रकार हमें क्या करना चाहिए कि धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा हमें अपनी बुद्धि को श्रेष्ठता में लाना है, उसे प्रशिक्षित करना है। तो हमारी चैप्टर की समरी क्या है आज की, अर्जुन ने पूछा कि भगवान आप मुझे तदेकम वाक्यम, भगवान मुझे ये वाक्य बताइए कि मैं क्या करूं, मैं क्या संन्यास ले लूं या मैं कर्म करूं। अब तो भगवान यहाँ क्या, एकम वद हमारा की वर्ड है उसका, और फिर निष्काम कर्म योग या ज्ञान योग, हमें क्या है, तो भगवान ने क्या कहा है कि नियत कुरु कर्म के, जो तुम्हारे नियत कर्म है उनको तुम करो। फिर कर्म कांड से कर्म योग, हमने कर्म कांड के बारे में जाना और कर्म योग में क्या अंतर है, उसके लिए हमने जाना कि किस प्रकार से अन्य चक्र है हम कार्य करते हैं, तो क्या है, हम अपना भाग
ऑटोमेटिकली हम देवता, जो भगवान विष्णु को समर्पित करते हैं, तो वो देवताओं को उसका भाग मिलता है। फिर भगवान क्या बता रहे हैं, मिसाल पेश करने के लिए तुम ऐसे आचरण करो जिससे कि सब उसको फॉलो करें। तो भगवान क्या कह रहे हैं, यद्यदाचरति श्रेष्ठा। फिर हमें क्या बताया गया, सबसे बड़ा दुश्मन कौन है हमारा, अगर हम अपने मन को नहीं कंट्रोल नहीं कर पाते तो मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, इहा वैरिणम। तो इस प्रकार से हमारा चैप्टर आज का कंप्लीट होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। अगर आप लोग, कोई प्रश्न है आपका तो आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। जी भारती माता जी, हरे कृष्णा। अनम्यूट जी करें माता जी अपने आप को। भारती गुप्ता माता जी, आपने हैंड रेस किया है। जी माता जी, आवाज हरे कृष्णा माता जी। आ रही माता जी? जी माता जी, जी। माता जी, काम रूपी जो शत्रु आपने बताया है, तो काम का असली अर्थ क्या है माता जी? माता जी आपकी आवाज कम आ रही है, आप प्रश्न दोबारा बोलिए प्लीज। माता जी, काम रूपी जो शत्रु है हमारा, ओके, तो ये काम का अर्थ क्या है माता जी? क्या माता है ये? जी आपने कल का क्लास अटेंड किया था? भारती माता जी, जी, कल का आपने क्लास अटेंड किया था? कल का किया था माता जी, फर्स्ट डे नहीं कर पाए थे माता जी। अच्छा, कोई बात नहीं। नहीं, मैं आपसे इसलिए पूछना चाहती हूँ, देखिए अगर हम सीरीज में चल रहे हैं तो हम बहुत कुछ चीज समझ पाते हैं। तो भगवान ने कल, हमने 8 स्टेप पढ़े थे कि हम किसी भी विषयों का चिंतन करते हैं तो विषयों का चिंतन करने से क्या होता है, हमें उसमें आसक्ति हो जाती है, अर्थात हमारी जो इच्छा है वो क्या है, वासना में बदल जाती है। तो वासना क्या है, काम है। काम क्या, लस्ट, जिसको इंग्लिश में लस्ट कहा जाता है। देखिए अगर हमें कोई भी चीज की, सपोज मैंने कहीं मार्केट में शॉपिंग करने गई हूँ, मेरे तो मैंने कहीं साड़ी शोरूम में लगी देख ली, मन में चिंतन हुआ, मेरे पास में जेब में पैसे नहीं है परंतु क्या है, मन में इच्छा हो गई मुझे तो वो ही साड़ी चाहिए, चाहिए चाहिए चाहिए, वो दिमाग में उसके प्रति आसक्ति हो गई। मेरे पास पैसे नहीं है, मैं उसको खरीदने में सक्षम नहीं हूं परंतु क्या है, लस्ट पैदा हो गया उसके लिए। तो उस लस्ट को हम अलग अलग रूप में देखिए, वो लस्ट पैदा हुआ, ध्यान हमारा कहीं नहीं लग रहा है, सिर्फ वो ही चाहिए मुझे, तो उसके लिए बहुत से लोग क्या है, गलत कार्यों पे भी चले जाते हैं। कुछ लोग चोरी कर लेंगे, कुछ लोग गलत काम कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, वहां तक की स्थिति में वो नहीं होंगे तो क्या है, उसको ना पाने के कारण चिड़चिड़े हो जाएंगे अपने परिवार में, अपने पति से या पति पत्नी से कोई चीज की इच्छा है तो क्या है, झगड़ा होगा कि मुझे वो चीज नहीं मिल पा रही है, तो ये धीरे धीरे क्या होगा, हमारे पारिवारिक जो संबंध है उनका विनाश हो जाएगा। तो ये जो काम अर्थात वासना है हमारी किसी भी चीज को प्राप्त करने की, वो काम कहा जाता है, लास्ट। समझ गए माता जी, जी? मतलब किसी भी चीज को पाने की वासना, या पाने की वासना। जी जी ठीक माता जी, है, ठीक है, धन्यवाद। जी हरे कृष्णा, जय भीष्का माता जी, हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद माता जी। थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सुभिक्षा ठाकुर माता जी, अनम्यूट करें प्लीज। हरे कृष्णा। माता जी अनम्यूट करिए, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। सुभिक्षा ठाकुर माता जी। हाँ जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे हाँ, कृष्णा जी। जैसा कि आपने कहा कि जैसा अन्न वैसा मन, तो जी जैसे कि लोग बोलते हैं कि हम नॉनवेज भी खाते हैं और भक्ति भी करते हैं, क्या उनकी भक्ति भगवान के पास जाती है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न किया माता जी आपने। तो देखिए इसीलिए हमें क्या है, 4-4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल बताए जाते हैं, कि 4 नियम जो हमें, रेगुलेटरी प्रिंसिपल, सबसे पहले क्या है, मांस नहीं ग्रहण करना है, नशा नहीं करना है,
ठीक है ना, पर स्त्री का मन नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है, तो ये सब क्या है हमारे चार। तो हमारी भक्ति की जो शुरुआत है, हमारी भक्ति की शुरुआत क्या है, पहले हमें इन चार रेगुलेटरी, देखिए माता जी अभी हमने आज के चैप्टर में पढ़ा ना मिथ्याचारी, बहुत से लोग क्या कहते हैं कि हमने सब कुछ त्याग कर दिया, परंतु वो मन से तो उनका वो नहीं छोड़ पाए ना। तो इसी प्रकार से अगर हम मास वो कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं और हम भक्ति कर रहे हैं, तो आप ही अभी इसका आंसर बता पाएंगे, तो क्या ये सही है? हरे कृष्णा माता जी। तो देखिए इस प्रकार से अगर कोई भक्ति कर रहा है माता जी, तो वो सिर्फ अपने आप को ही धोखा दे रहा है, या अपने आप को ही सेटिस्फाई कर पा रहा है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए सिर्फ, कि मैं तो भक्ति कर रही हूँ, मैं कर रहा हूँ। परंतु क्या है, हमें भक्ति में चार बेसिक रेगुलेटरी प्रिंसिपल बताए जाते हैं जी माता जी, जी जिनका हमें पालन करना चाहिए। जी माता जी, थैंक यू। हरे हरे कृष्णा, कृष्णा, थैंक यू। हरे कृष्णा माता जी। भारती माता जी। हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी। जी आई हरे कृष्णा माता जी, भारती गुप्ता थिंक माता जी। वो शायद हैंड डाउन करना भूल गए हैं। जी माता जी, चलिए और फिर कोई प्रश्न नहीं है माता जी, तो फिर हम लोग कल मिलते हैं। अच्छा तान्या माता जी। जी माता जी। जी तान्या माता जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। हरे कृष्णा, तान्या माता जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। हरे कृष्ण माता जी, धन्य प्रणाम। तो धन्यवाद माता जी। माता जी, मैंने स्पेशली आपको थैंक यू बोलने के लिए किया था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतने अच्छे से कल भी और आज भी हमारे 7 PM के डिवोटीज को अच्छे से हैंडल थैंक किया। यू बहुत माता बहुत जी, अच्छा। थैंक यू माता जी, हमें मुझे मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माता जी, कल से शायद दिगंबर प्रभु जी आ जाएंगे क्लास में। जी माता जी। जी अरविंद प्रभु जी जी कुछ कहना चाहते हैं आप? माता जी, मधु माता जी, अरविंद प्रभु जी की प्रॉब्लम भी थी ना क्विज की, हाँ आप हाँ प्लीज वो भी हरे सजेस्ट कर कृष्णा दीजिए प्रभु उन्हें। जी। हाँ जी, उन्हें जी वो गाइड कर दीजिए। जी अरविंद प्रभु जी, आप अनम्यूट कर लीजिए पहले, शायद आपने हैंड रेस किया है। हाँ अनम्यूट जी, की जी प्रभु जी। प्रभु जी मैं एक काम करूंगी, आपने जो पहले दिन मुझे वो दिया था ना, जो पासवर्ड और अपना मेल आईडी वगैरह दिया था, तो उसके थ्रू तो मैं पूरा जा पा रही थी प्रभु जी। मैंने मतलब आपका लिंक तक पहुंचे, मतलब उस क्वेश्चंस वगैरह तक दिख रहे थे मुझे। हाँ अगर अभी आपका नया पासवर्ड उन्होंने सेट कर दिया है ना, तो मैं एक काम करूंगी, अगर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज दे दें या जो भी है, तो मैं एक स्क्रीन रिकॉर्ड करके आपको दे दूंगी कि किस तरीके से आप लॉग इन कर पाएंगे। मैं एक बार और कोशिश कर लूंगी प्रभु जी, है ना। मैं आपको कहाँ मैसेज करूं? हाँ व्हाट्सएप पे डाल दीजिएगा प्रभु जी, ग्रुप में मेरा नंबर होगा ना। नहीं, नाम क्या आपका? मधु मेरा नाम मधु है, मधुसोनी प्रभु जी। वाला तो है मेरे पास सेव। जी प्रभु जी, आपने मुझे मैसेज भी किया था पहले, एक बार बात हुई थी आपने किया था मुझसे, तो उसमें क्या डालूं? आपको आपने बोला ना, आपका शायद दूसरे ग्रुप में, आप इंग्लिश ग्रुप में आपने अगर प्रॉब्लम बताई थी, तो शायद उन्होंने नया पासवर्ड आपको जनरेट किया हुआ है, नया पासवर्ड क्रिएट करके भेजा है, उससे भी तो लॉग इन नहीं उससे हुआ। वो मैं ट्राई करके देखूंगी प्रभु जी, क्योंकि पहले वाले से तो हो गया था मेरा, मतलब मुझसे ये हो गया कि मैं सोची थी कि आपको वर्बली बता दूंगी, लेकिन एक बार मैं आपको रिकॉर्डिंग करके या उस तरीके से भेज के दिखाऊंगी, तो शायद आप वही अच्छे मेरा से पहले उसको। वाले से नहीं हो रहा, पहले वाले से भी कोशिश करी है मैंने। मैं तो हो पाया था प्रभु जी मुझसे, तो हाँ मैं जब लॉगिन में जाता हूँ वो डालता हूँ यूजर नेम और हाँ पासवर्ड, तो सब कुछ हट जाता है, उसके बाद आगे नहीं बढ़ता। नहीं देखिए, मैं ना दूसरे सिस्टम में करके आपको स्टेप वाइज, वही मैं सोच रही थी कि आपको रिकॉर्डिंग करके या कुछ उस तरीके का दे दें, तो आप देख के कर पाएंगे शायद। एक मिनट होल्ड करिएगा, मैं बताती हूँ आपको।
लेकिन अगर उन्होंने पासवर्ड चेंज किया है ना, तो शायद नया पासवर्ड आपको यूज करना पड़ेगा, उन्होंने सेट कर दिया। आपको हाँ है ना, देखिए बिल्कुल उसमें जाने से ना, जैसे ही आप उस लिंक पे जाएंगे, क्लिक करेंगे तो उसमें लॉग इन टू इनरोल आएगा। तो लॉग इन टू इनरोल करने पे आपको पूछेंगे लॉग इन करिए या रजिस्टर करिए। तो आपको ना रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो रजिस्टर करने पे बोल रहे हैं कि आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं। तो हो मैंने गया। आपका है ना, तो आपका मैंने उसमें यूजर नेम या ईमेल करने बोला, तो मैंने आपका नेम, जो ईमेल था अरविंद अरोरा आपने जो दिया था जीमेल पे, वो डाला था। फिर पासवर्ड डाला, फिर लॉग इन किया ना, तो फिर वो पेज ओपन हुआ था प्रभु जी, जहाँ पे जाना चाहिए हमारा कोर्स के लिए, जहाँ पे आता है ना। तो राइट साइड में ऊपर में ना, जहाँ पे होम और इस तरीके का कोर्सेज और है, तो ऑल कोर्सेज में जाके ना, वहाँ पे सारे लैंग्वेज के कोर्सेज आते हैं प्रभु जी। भगवद गीता लेवल 1, हिंदी, इंग्लिश, उड़िया, पंजाबी, जो भी मतलब सारे लैंग्वेजेस के नाम आते हैं। तो उसमें आपको हिंदी या इंग्लिश, जिसमें भी आप लेना चाहें, उसमें क्लिक करना पड़ेगा प्रभु जी। पर हो नहीं पा रहा, मैं देखता हूँ आज करके, फिर कल बात करेंगे। मैं इसलिए मुझे लगा कि वो थोड़ा सा प्रोसेस आपको शायद आगे बढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, तो अगर कुछ रहा तो मुझे भेजेंगे तो मैं एक बार ट्राई करके देख लूंगी प्रभु जी। ठीक है, क्योंकि मैं आगे तक पहुंच गई थी और उसमें ना आपका सेट भी हो गया था, मतलब अगर आप लॉग इन हो पाते तो सीधा आपको मतलब एक जो पेपर है उसका, उसमें ही पहुंच रहे थे, मतलब उसका लिंक सामने विजिबल होने लग गया था उस दिन तो मुझसे। तो ठीक है पर मेरे प्रभु, से हाँ आप मुझे देखिएगा नया पासवर्ड और वो भेज के देखिएगा, मैं करके देखती हूँ आपको। मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगी उसका, तो शायद आप कर पाए। ठीक है ठीक ठीक है, है, हरे कृष्णा धन्यवाद। प्रभु। हरे कृष्णा माता जी, किरण माता जी का हैंड रेज था, अगर वो क्लास में है तो वो दोबारा कर सकती है। हाँ किरण जी जी माता माता जी जी, का किरण जी माता जी, हरे कृष्णा। एक और माता जी जी, हाँ जी जी माता जी, हरे कृष्णा, किरण माता जी जी माता जी, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने। माता जी, हरे कृष्णा। किरण माता जी, अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है, आप क्लिक करें उसमें। हरे जी जी किया कृष्णा माता हूँ, जी, हरे कृष्णा माता जी, माता जी आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। थैंक यू माता जी, थैंक यू। हम क्या पढ़ा रहे हैं माता जी, हम तो श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा बताए गए वाक्यों को एज इट इज बताने की कोशिश करते हैं सिर्फ। माता जी, मैं थैंक ये यू पर पूछ रही थी कि आपका जी माता जी, मेरा अरे ईमेल भर मैं चुका है, ये पूछ रही थी मैसेज माता जी कि हमारा पेपर लास्ट में भी होगा 18 दिनों के बाद। हाँ माता जी, अगर आप सेकंड लेवल करना चाहें तो आप रजिस्टर कीजिएगा, और मैं तो कहूंगी सभी को करना चाहिए रजिस्टर, जितने भी हम लोग हैं क्लास में, क्योंकि ये देखिए ज्ञान, जो ये ज्ञान है ये इतना डीप है कि हम इसको समझते समझते, मतलब हमें इसको जैसे बताया गया है कि सभी उपनिषदों में, गीतोपनिषद, इसको सभी उपनिषदों का सार बताया गया है, तो अगर हम इसी को पकड़ के रखें और इसी का ही ज्ञान हम प्राप्त करें तो हम भवसागर से पार हो सकते हैं। तो ना वो अलग जी खत्म हो गया, बंद कर दिया उन्होंने। हरे कृष्णा माता जी, हरे हाँ कृष्णा हरे माता जी, कृष्णा। एक राजू प्रभु जी का एक प्रश्न है, मैं पढ़ देती हूँ 1 मिनट। उन्होंने पूछा माता है जी मैं कि ये पूछ माता जी मैं ये अरे पूछ रही थी कि जो क्विज वाले क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं, यही एग्जाम होंगे कि 18 दिन के बाद भी हमारा होगा, अब जो हम क्लासेस लगा रहे हैं। माता जी, हमें रोज क्विज आती है, अभी जैसे मधु माता जी ने बताया कि हमारी रोज की क्विजेज होती है और बहुत सिंपल होती है, एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं, उसमें आपको सिर्फ एक ऑप्शन वो लेना होता है, तो और आपको अगर शायद, मैं जहां तक मुझे ध्यान है, तो अगर आपका वो ठीक नहीं रहता है तो आप दूसरा अटेम्प्ट भी कर सकते हैं उसका, कि आपको लगता है कि आपसे गलत वो हो गया, मिस हो गया या कुछ भी, तो आप उसको दोबारा भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सिंपल वो रहता है, और अगर आपको नहीं समझ आया तो आप हमसे पूछ सकते हैं, मधु माता जी से या मेरे से, उसको पूछ सकते हैं उसके बारे में। तो अब जब आप 18 डेज की क्विज कंप्लीट कर लेते हैं, चैप्टर खत्म हो जाते हैं हमारे, तो ये हमारी भगवत गीता एक बार पूर्ण हो जाती है जो पहला लेवल है, तो उसके बाद हमें सेकेंड लेवल का नोटिफिकेशन आता है, आप उसमें अपने आप को रजिस्टर करते हैं,
तो आप सेकेंड लेवल के लिए हो जाते हैं एलिजिबल सर्टिफिकेट आने पर। हरे कृष्णा राजू प्रभु जी का क्वेश्चन लेना है माता जी। जी। तो राजू प्रभु जी ने लिखा है कि जीवन का सबसे बड़ा आनंद क्या है और उसको कैसे प्राप्त करें। तो देखिए प्रभु जी, हमने आज ही की क्लास में पढ़ा ना कि हम क्या है, सत्चित आनंद, अर्थात क्या है, हमारी आत्मा जो है, हम क्या है, भगवान के स्वरूप है। भगवान क्या है, ईश्वर परम कृष्णा सच्चित्त स्वरूप। तो भगवान क्या है, ईश्वर, भगवान सत्चित आनंद स्वरूप है, अर्थात सत्य है, चेतना से पूर्ण है और आनंद स्वरूप है, ब्लिसफुलनेस। तो हम भी भगवान के ही अंश है, तो हमारा भी रूप क्या होना चाहिए, आनंद का रूप, सत्चित आनंद। और वो सच्चित आनंद किस प्रकार से मिलेगा, हमें ये जानना है कि हम पूर्ण के अंश हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात पूर्णमुदच्यते, हमने पढ़ा है ना, हम ईशोपनिषद में भी पढ़ते हैं। तो इसमें क्या है, हम जब ये जान जाते हैं कि हम पूर्ण का अंश है और तो उस पूर्ण की सेवा करना ही हमारा परम कर्तव्य है, तो हम इसको, हमारा आनंद है सच्चित आनंद। और हमारी, हम इसको कैसे कर सकते हैं, जब हम गुरु साधु शास्त्र के द्वारा जब हम अपने स्वरूप को समझ जाते हैं, ज्ञान को जान जाते हैं, तो क्या है, पूर्ण की सेवा करना, उस पूर्ण की क्या है, अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की सेवा करना ही हमारा धर्म है। जब हम इसको जान जाते हैं तो ही हम संपूर्ण रूप से सच्चिदानंद स्वरूप पे पहुंच पाते हैं। जी हरे कृष्णा राजू प्रभु जी, आई होप आपको उत्तर मिल गया होगा अपने प्रश्न का। हरे कृष्णा। राजू प्रभु जी आप अनम्यूट कर सकते हैं प्रभु जी। और आप कई बार डायरेक्ट पूछना, डायरेक्ट कम्युनिकेशन बहुत बार अच्छा रहता है प्रभु जी। जी चलिए माता जी, हो सकता है वो कहीं बिजी हो, तो हम जी लोग आज क्लास को विराम देते हैं। वाचा कल्प तरु विषय कृपा सिंधु गये च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, हम लोग कल मिलते हैं अपने चौथे अध्याय के लिए। वो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक उम्मीद यू करती हूँ माता सभी जी, को बहुत अच्छे से समझ आया होगा आज थैंक यू का माता अध्याय। जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी।